जीतने वालों को मेरा सलाम। इस वीडियो को एक मजेदार सवाल से शुरू करते हैं। विनोद आरती को देखता है, आरती साहिल को देखती है और साहिल विनोद को देखता है। विनोद की शादी हो चुकी है और साहिल अविवाहित है, तो क्या इस डायग्राम को देखकर पूरे कॉन्फिडेंस से कहा जा सकता है कि एक विवाहित यानी मैरिड इंसान अविवाहित को देखता है? ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी कह नहीं सकते। प्रोफेसर स्टैनोविच कहते हैं कि 99% लोग पहली बार में इसका जवाब सी देते हैं, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, जो कि गलत जवाब है। सही जवाब है ए हाँ। पूरे कॉन्फिडेंस से कहा जा सकता है कि विवाहित अविवाहित को देखता है। कैसे? आंसर छिपा है आरती के मैरिटल स्टेटस में। अगर वो अविवाहित है तो ये स्टेटमेंट सही है कि विवाहित अविवाहित को देखता है, और अगर आरती विवाहित है तो भी ये बात सही है कि विवाहित अविवाहित को देखता है। दोस्तों, प्रोफेसर एक जरूरी बात कहते हैं, आप लोग ध्यान देना। इंटेलिजेंट पीपल परफॉर्म बेटर ओनली व्हेन यू टेल देम व्हाट टू डू। अगली बार जब इस तरह की प्रॉब्लम सामने आएगी, तब कुछ लोग पैटर्न देखकर समझ जाएंगे कि ये तो मिलती जुलती प्रॉब्लम है और इसका हल कैसे निकालना है। ये लोग इंटेलिजेंट हैं। इंटेलिजेंस की मॉडर्न डेफिनेशन भी यही कहती है कि आप नई चीजें पहचानने, सीखने और उन्हें अप्लाई करने में कितना तेज है, इसको इंटेलिजेंस कहते हैं। हमारा दिमाग दो तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करता है, एक इंट्यूशन और दूसरा डेलिबरेट रीजनिंग। हम सब लोग अधिकतर इंट्यूशन यानी प्राकृतिक आभास से सोचते हैं और इसी से जवाब देना पसंद करते हैं, लेकिन जितने भी इंटेलिजेंस या कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वो ये देखना चाहते हैं कि क्या आप इंट्यूशन से जवाब देने की आदत को कंट्रोल करके डेलिबरेट रीजनिंग, लॉजिक या तर्क शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। इंटेलिजेंस नापने की शुरुआत आज से करीबन 200 साल पहले हुई। एक दिन चार्ल्स डार्विन के कजन को अचानक आइडिया आया कि साइंटिस्ट को सब होशियार कहते हैं, लेकिन इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है और इसे नाप कैसे सकते हैं। तब उन्होंने लैब में एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर दिए और उन्होंने कहा कि रिएक्शन टाइम जितना कम होगा, यानी जो जितनी जल्दी समस्या को सुलझा लेगा, खोई हुई चीजें ढूंढ लेगा, जितनी जल्दी गिनती कर लेगा, वो इंटेलिजेंट है। रिएक्शन टाइम इंटेलिजेंस नापने का सबसे पहला तरीका था और आज भी हर टेस्ट फोर्स करता है कि आप कम से कम समय में प्रॉब्लम सॉल्व करें। आईक्यू और एप्टीट्यूड टेस्ट आज हर कंपनी, गवर्नमेंट और कॉलेज प्रयोग करते हैं। अब कई स्कूल भी एंट्रेंस के लिए इन टेस्ट्स का प्रयोग करने लगे हैं। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है कि इंटेलिजेंट टेस्ट स्कोर्स बहुत कुछ डिपेंड करते हैं आपके मूड, इंटरेस्ट, सेल्फ बिलीफ और मोटिवेशन पर। एक स्टडी में टीचर्स ने हाई स्कूल के रैंडमली चुने बच्चों को बोला कि आप लोगों के पिछले टेस्ट स्कोर्स बहुत कम हैं, आप लोग कभी अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर जब दोबारा सबका टेस्ट लिया गया तो जिन बच्चों को नेगेटिव फीडबैक दिया गया था, तो उन्होंने एप्टीट्यूड टेस्ट में पिछली बार से आधे से भी कम नंबर प्राप्त किए थे। ऐसे ही कई टेस्ट साबित करते हैं कि आईक्यू और एप्टीट्यूड टेस्ट के स्कोर्स हमारे मूड, मोटिवेशन और बुद्धि इस्तेमाल करने की इच्छा पर निर्भर करते हैं। अगर इंटेलिजेंस आपकी टॉर्च लाइट है तो आईक्यू टेस्ट केवल टॉर्च की ब्राइटनेस मेजर कर सकते हैं, लेकिन इसका डायरेक्शन पता नहीं कर सकते, ना ही लाइट को भविष्य में इस्तेमाल करने की इच्छा नाप सकते। सबसे पहले सोच थी कि एक जनरल इंटेलिजेंस होती है कि अगर आप मैथ्स में अच्छे हो तो आप म्यूजिक और डांस भी जल्दी सीख लोगे। ये सोच सही लगती थी क्योंकि कई इंटेलिजेंट साइंटिस्ट और प्रभावशाली व्यक्तित्व लिखने, गाने और दूसरे शौक रखते थे। फिर 1983 में हावर्ड गार्नर ने कई तबकों, टैलेंट्स और इंटेलिजेंस के बच्चों के साथ काम किया और रिसर्च में पाया कि अगर बच्चा किसी एक क्षेत्र में अच्छा है तो ये जरूरी नहीं है कि वो दूसरे में भी अच्छा हो। हावर्ड गार्नर ने प्रसिद्ध मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी कि 9 तरह की अलग अलग इंटेलिजेंस होती है और हर कोई इन 9 प्रकार की इंटेलिजेंस के मिश्रण के साथ पैदा होता है। पहली है नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस। कुछ लोग पौधे, पक्षियों और जानवर के प्रति जागरूक और सेंसिटिव होते हैं और आसानी से इनमें छोटे से छोटे अंतर देख सकते हैं। ये खासियत किसान, बायोलॉजिस्ट, रिसर्चर्स, शेफ, रेंजर्स और शिकारियों में भी होती है। ये लोग अपने क्लाइमेट और वातावरण में छोटे छोटे बदलाव महसूस कर सकते हैं और उनसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चार्ल्स डार्विन इस इंटेलिजेंस के सबसे अच्छे एग्जाम्पल है। दूसरी है म्यूजिकल इंटेलिजेंस। कुछ लोग बड़ी आसानी से गाना सुनकर उसे कॉपी कर लेते हैं, कुछ बजा लेते हैं, कुछ गा भी लेते हैं, क्योंकि ये लोग आसानी से ताल, पिच, रिदम, टोन पकड़ सकते हैं।
ये लोग वो बातें और टोन भी पकड़ सकते हैं जो मैं और आप मिस कर जाते हैं। ये इंटेलिजेंस गायकों, म्यूजिशियंस और कंपोजर्स में होती है। विभिन्न आवाजों की पकड़ और उनका प्रयोग आप किशोर कुमार साहब के गानों में आज भी सुन सकते हैं। तीसरी है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। कई लोग दो कंसेप्ट्स में संबंध जल्दी देख सकते हैं, आसानी से लॉजिकल रीजनिंग और कैलकुलेशन कर सकते हैं। अधिकतर आईक्यू और एप्टीट्यूड टेस्ट इस इंटेलिजेंस का कुछ हिस्सा नापते हैं। मैनेजर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स और तमाम तरह के प्रोफेशन में इस काबिलियत का होना जरूरी है, जो कम समय में प्रॉब्लम को पहचान कर सॉल्व कर सके। ये क्वालिटीज मुख्यतः डिटेक्टिव, साइंटिस्ट और मैथमेटिशियंस में मौजूद होती है। चौथी है स्पेशल इंटेलिजेंस। हम समझने के लिए इसे स्पेस इंटेलिजेंस भी कह सकते हैं। तीन डायमेंशन में सोचने और इमेजिन करने की काबिलियत। अगर आप में ये इंटेलिजेंस है तो आप बिल्डिंग्स, आर्किटेक्चर, प्रोडक्ट डिजाइन देखकर इनमें खो जाते हैं। अपने दिमाग में शेप, साइज, दूरी, एंगल वगैरह इमेजिन कर सकते हैं। मेज पजल्स दूसरों से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ये इंटेलिजेंस पायलट, सेलर्स, आर्किटेक्ट्स, मूर्तिकारों, पेंटर्स में पाई जाती है। रविन्द्रनाथ टैगोर, लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो जैसे लोग स्पेशल इंटेलिजेंस के धनी थे। कुछ लोग आसानी से दूसरों की बॉडी लैंग्वेज, भावनाएं, मूड और बिहेवियर समझ सकते हैं और शब्दों के पीछे छिपे मतलब, इरादे पकड़ सकते हैं। साथ ही इस जानकारी का सकारात्मक उपयोग कर सकते हैं। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस टीचर्स, सोशल वर्कर्स, पॉलिटिशियंस और हर लीडर में होती है। इनका लोगों से बात करने का, समझने का और व्यक्तिगत समस्याएं सुलझाने का तरीका प्रभावशाली होता है। छठवीं है बॉडीली किनेस्थेटिक। कई बच्चे डांस देखते ही कॉपी कर लेते हैं, बाकियों के साथ आपको 1 2 3 4 करना पड़ता है। इस इंटेलिजेंस में बॉडी माइंड कनेक्शन बहुत ताकतवर होता है। डांसर्स, एथलीट, सर्जन, शिल्पकारों में बॉडीली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस होती है। ये लोग विभिन्न पैटर्न और लय में अपने शरीर को प्रयोग कर सकते हैं। सातवीं है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को शब्दों में सोचने और व्यक्त करने की काबिलियत। अगर आपको न्यूज़पेपर में एडिटोरियल्स पढ़ना पसंद है, कहानी सुनना सुनाना पसंद करते हैं और इन सब में शब्दों और भाषा के अलग अलग प्रयोग का महत्व समझते हैं, तो आप में ये इंटेलिजेंस मौजूद है। ये इंटेलिजेंस भी अधिकतर हर लीडर में होती है, जो अपनी बात दूसरों तक कहानी, किस्से के रूप में पहुंचाते हैं। इनके अलावा ये इंटेलिजेंस पब्लिक स्पीकर्स, राइटर्स और कवियों में होती है, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर, डॉक्टर कुमार विश्वास और ओपरा विनफ्री। आठवीं है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस एक खास प्रकार की इंटेलिजेंस है, जहां आप अपने विचार के बारे में विचार कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि आपके अंदर विभिन्न प्रकार की भावनाएं और विचार क्यों प्रकट हो रही हैं और इनको सही दिशा कैसे दे सकते हैं। ये काबिलियत अपने विचारों के प्रति अवेयरनेस और समझ है, जो मुख्यतः साइकोलॉजिस्ट, फिलोसफर्स और सेल्फ हेल्प कोचेज में होती है। इसके अच्छे एग्जाम्पल होंगे टोनी रॉबिन्स, जॉर्डन पीटरसन, जिद्दू कृष्णमूर्ति एक्सेट्रा। अगली इंटेलिजेंस है एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस, जिसको नाइन्थ इंटेलिजेंस भी कहते हैं, क्योंकि ये अभी अभी इस ग्रुप में शामिल की गई है। जो लोग जीवन के होने और इसके कारण पर सवाल पूछ सकते हैं और इसकी खोज कर सकते हैं कि हम लोग क्यों पैदा हुए, हमारा जन्म क्यों हुआ, मरने के बाद क्या होता है। मेरे हिसाब से ये इंटेलिजेंस ओपन एंडेड सवाल पूछने की क्षमता है, ऐसे सवाल जहां आपके पास पूरे जवाब ना हो। ठीक है, तो इस मल्टीपल थ्योरी का हम क्या करें, इसी सवाल के साथ वीडियो समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले इंटेलिजेंस, आप नई चीज पहचानने, सीखने और उन्हें अप्लाई करने में कितना तेज है, इसे इंटेलिजेंस कहते हैं। हावर्ड गार्डनर कहते हैं कि अगर आपकी लॉजिकल, मैथमेटिकल और लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस अच्छी है तो आपका स्कूल और कॉलेज में टाइम आराम से कट जाएगा, लेकिन इसके बाद आपको इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ेगी। लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस और ग्रिट होना जरूरी है। इंटेलिजेंस एक बास्केटबॉल प्लेयर की हाइट की तरह है, अकेले इससे काम नहीं चलेगा। उसी तरह आपको अपनी इंटेलिजेंस पहचान कर इसे विकसित करते रहना होगा, तभी आप इस इंटेलिजेंस का प्रयोग कर पाएंगे। आईक्यू टेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर्स आपके मूड, मोटिवेशन और सेल्फ बिलीफ पर भी डिपेंड करते हैं, इसलिए कोई भी टेस्ट स्कोर पूरी पिक्चर नहीं बता सकता। इसका ये मतलब नहीं है कि आईक्यू और एप्टी बेकार है। पेन पेपर की बदौलत बड़ी आसानी से भीड़ में से कुछ लोगों का चुनाव कर सकते हो, इसलिए कंपनीज और कॉलेज इनका प्रयोग करते रहेंगे। आजकल भारत में जितनी भी एप्टीट्यूड टेस्ट हैं, आप प्रैक्टिस और स्ट्रेटेजी से
अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको पता है कि आप में कौन सी इंटेलिजेंस है, तो आप उसे अपना पैशन कैसे बना सकते हैं, इसे अगले वीडियो में देखिए या बाद के लिए सेव कर लीजिए। आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।